बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दावा किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को गैर सियासी बना दिया गया है और वहाँ सब कुछ मेरिट की बुनियाद पे होता है। इसी तरह दावा किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को जुल्म और नाइंसाफ़ी से पाक किया जा रहा है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों डीआई खान के इलाके दराबन के एक गाँव में एक बड़ा अनदोहनाक वाक़या पेश आया। ऐसा वाकया कि जिसमें एक बेचारी और मासूम खातून को बरहना करके बाज़ार में घुमाया गया बंदूकों के ज़ोर पे। उसके बाद ये खबरें भी आई कि जब मुतासरा घराना एफआईआर के लिए थाने पहुंचा, तो उनका एफआईआर दर्ज करने की बजाय उल्टा उनके ख़िलाफ़ पर्चा काट दिया गया। अब उसमें एक ड्रामाई मोड़ ये आया कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली दावर खान कुंडी साहब ने ये दावा किया कि जो मुलजमान है या उनकी पुश्तपनाही किसी न किसी लेवल पे तहरीक-ए-इंसाफ के उस रीजन के सदर और सूबाई वज़ीर अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी की जा रही है। ज़ाहरी बात है कि इस इल्ज़ाम ने अगर पीटीआई की क़यादत को नहीं हिलाया है तो पाकिस्तान के हसास लोगों को ज़रूर हिला दिया है। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि इस मामले की हकीकत जान सके कि असल वाक़या हुआ क्या है, कौन ज़िम्मेदार है और किन पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए हैं ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डी आई खान ही से दावर खान कुंडी साहब, और डी आई खान से हमारे साथ मौजूद है सूबाई वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर साहब। पहले तो जी दावर खान कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया, और ये बताइए कि आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि अली अमीन गंडापुर वो मुलजमान की पुष्पनाई कर रहे हैं। ये वाक़या हुए 15 रोज़ होते हैं और इस वाक़े की जो तफसीलात हैं वो इंतहाई अनदोनाक हैं और इंसानियत शर्मा आ जाती है जिस तरह का ये वाकया हुआ है। और उस लड़की को इन्होंने बरहना किया, कैंची से उसके कपड़े फाड़े, उसको बरहना करके गलियों में घरों में फिराया, दोनों हाथों और पाँव से पकड़ के कभी इधर फेंका कभी उधर फेंका, और उसकी अपनी वीडियो है जो अपनी दास्तान वो सुना। ये दिन के वक्त और उसको हफ्से बेजा में रखा, फिर उसको जाके बाहर फेंक के फिर वो बरहना हालत में अपने घर गई। इसके पीछे वाकयात ये होते हैं कि ये जो 8 बंदे थे, इससे पहले इसके भाई के साथ कुछ इशू था 2 साल पहले, इस लड़की जो मुतासर है जी, लेकिन वो लोग और थे। वो जो वाकया पुलिस और ये मीडिया में आ रहा है, मैं ये भी आपको क्लेरिफाई कर दूं कि वो लोग और थे जिनके साथ इन्होंने पंचायत का फैसला किया था, और इस जो लड़की है इसके भाई ने 2.5 लाख रुपए जुर्माना दिया और उसके बदले उसके 2 साल बाद ये वाकया होता है। लेकिन ये इसके रिश्तेदार हैं या करीबी या दूर, वो डायरेक्ट नहीं है इन्वॉल्व जो फैमिली के साथ इनका मसला था। यानी अगर आप वो भी देखें ना मुहर्रिक, तो मुहर्रिक भी इंतहाई सफाकाना है। अगर चलें एक मसला होता तो फिर कहते कि भाई इंतकामी कार्रवाई, फिर अगर आप इंतकाम लेते भी हैं तो आप उनके मर्दों से लें। ये तालाब गई पानी भरने, क्योंकि खुशकिस्मती से हमारी इस यूनियन काउंसिल में पीने का पानी तो है नहीं, और ना दुनिया के मार्ज़े वजूद में आने के बाद से अब तक वहाँ पे बिजली की इंस्टॉलेशंस भी नहीं। अच्छा, इस गांव के लोग तालाब से पानी भरते हैं और 1 किलोमीटर दूर जाके जाते हैं, ये खवातीन जाती हैं। हमारी तरफ चूँकि सरायकी कल्चर है और डी खरांग जो है ये सरायकी बेल्ट है हमारे केपी का, और यहाँ पे ख़वातीन और मर्द जो हैं वो इकट्ठे काम करते हैं और फसल की कटाई के लिए भी इकट्ठे जाते हैं। इनका कल्चर थोड़ा सा हमारा आज़ाद है और ख़वातीन जो हैं इस तरह की पर्दा में नहीं होती हैं जिस तरह फाटा या जो पश्तून कल्चर में आता है। ये फिर जाते हैं FIR कटवाने SHO के पास, वहाँ एक नई स्टोरी खुलती है। नई स्टोरी ये खुलती है कि SHO उसकी इस लड़की की माँ को गालियाँ देता है और उसे कहते हैं कि मैंने तो आप लोगों के ऊपर FIR काटी हुई है। वो बड़े हैरान होते हैं कि भाई जुल्म हमारे साथ। ये कौन से थाने का SHO है? ये जी SHO है थाने का, चौधवान थाने। चौधवान थाने, ठीक।
और वो उल्टा जब ये जाते हैं तो इनके ऊपर FIR कटी होती है। ये भला हो जी सोशल मीडिया का, वहाँ का, वहाँ के साफियों का, वहाँ पे जो सरेकी तहरीक के कुछ रहनुमा हैं उन्होंने इशू उठाया, ये फेसबुक पे आया और इसका फिर IGP ने नोटिस लिया, क्योंकि हमारी KP की पुलिस कदरे इम्प्रूव कर गई है। अगर आप IGP साहब को कोई टेक्स्ट कर देंगे वो एक्शन लेंगे। उन्होंने एक्शन लिया, हकायक सामने आए तो हकायक में ये साबित हुआ कि SHO ने साज बाज करके इस सजावल नामी शख्स के साथ, जो उस ख़ानदान का भी कोई इतना रिश्तेदार करीबी नहीं है और इनका तो इनके साथ इन्होंने ज्यादती कर भी दी, 8 बंदों के साथ मिलकर इन्होंने पहले से प्लान बनाया और SHO को पता था इस प्लान का। 8:30 बजे सुबह उनके FIR कटती है, FIR नंबर 201। 3 बजे ये लोग जाते हैं FIR कटवाने। जब SHO के ऊपर जब प्रेशर आता है तो वो जल्दी जल्दी क्या करता है कि उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो FIR क्वैश कर देते हैं। मुतासरा लड़की और उसके ख़ानदान के खिलाफ, उसके ख़ानदान के खिलाफ जो FIR उसने काटी हुई थी वो ख़त्म कर देता है, ठीक, और दूसरी FIR काटता है। लेकिन इसके बाद फिर हालात टर्न ये लेते हैं कि वो SHO जिसके ऊपर IGP साहब ने इंक्वायरी बिठाई अभी तक उसी थाने में है 15 दिन से, और उसके जिम्मे है कि आपने उस मुजलिम को पकड़ना है, उस सजावल नामी शख्स को जिसके साथ इसने सास बास की है। मैं जब गया तो SHO ने सस्पेंड किया गया, नहीं नहीं, बल्कि अभी भी मामला उसी SHO के हाथ कर रहा है और बड़े फख्र से कर रहा है। जब मैं गया इस वाकये के बाद, मुझसे पहले सरदार इकराम गए थे जो यहाँ से सूबाई वजीर ज़रात हैं और यह उनका हल्का इंतखाब है, उन्होंने लड़की को पेश किया, उसको लेके गए, सारा किस्सा किया। मैं जब गया तो मुझे लड़कियों के जो ख़ानदान है उसका चचा है, क्योंकि ये लड़की बेचारी यतीम है, इसका वालिद नहीं है, ये एक और जुल्म। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें अली अमीन साहब की इन्वॉल्वमेंट है। ये किसने बताया? उस लड़की के चचा ने और उसके ख़ानदान के जितने लोग बैठे हैं। अच्छा। और आप बराए मेहरबानी ऐसा करें कि चूँकि वो आपकी पार्टी के हैं तो आप उनको मना करें कि इन लोगों की सरपरस्ती ना करें। मुझे अफसोस हुआ चूँकि अली अमीन साहब जो हैं वो कुछ मामलात 2 साल पहले हमारे ऐसे थे कि मैंने कुछ करप्शन के चार्जेस कुछ मिनिस्टर्स के और प्रूफ भी दिए थे इमरान खान के, तो उनकी नाराज़गी तो मेरे साथ पहले से चल रही थी। तो मैंने मीडिया को बताया कि भाई इसमें अली अमीन की इन्वॉल्वमेंट है और मैं चाहता हूँ कि अली अमीन जाके उस लड़की के सर पे दस्ते शफकत रखे बजाय इसे कि वह मुलजमों को सपोर्ट करता है। मीडिया ने उस बात को उठाया और मैंने उसको इंडोर्स किया, और ये मेरी बात सिर्फ मेरी नहीं है, मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने फैक्ट बताया जो उन्होंने मुझे बताया। इस हाकिम खान जो जिस बंदे जो ये चचा है इस लड़की का, उसकी अपना वीडियो रिकॉर्डेड बयान है कि अली अमीन और उसके चचा इस मुलविस जो मुलजमान है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनको फिजिकल सपोर्ट दे रहे हैं, और आज उनको उन्होंने लीगल सपोर्ट भी दी कि आज, अब ये अगर इत्तेफाक कोई करे, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इल्ज़ाम मैंने कोई नहीं लगाया, मैं जो कहूँगा वो सच होगा। जो अली अमीन साहब के लीगल एडवाइज़र हैं, इत्तेफाकन आज वही शख्स मुलजिमों का भी वकील है, ठीक, तो ये मैं इत्तेफाक नहीं समझ सकता, क्योंकि DI खान कोई नहीं। लेकिन इसमें एक बुनियादी सवाल दावर साहब, एक तो ये कि जो मुतासरा ख़ानदान है उनके साथ अली अमीन की क्या दुश्मनी है, या फिर ये कि सजावल वगैरह जो मुलजमान है उनके साथ अली अमीन की क्या हमदर्दी और क्या ताल्लुक़ है? अली अमीन साहब के ख़ानदान, उनके भाई इस हलके से इलेक्शन लड़ चुके हैं, ये जहाँ से ये वाकया जिस हलके में होता है ये मेरे हलके में भी आता है, कौमी असम्बली के NA 25, और इकराम गंडापुर जो इलेक्शन जीते हैं उनका हलका है, और अली अमीन के भाई PTI की टिकट पे 2013 में यहाँ से इलेक्शन हारे हैं, लड़े हैं वो, और इनके ख़ानदान, इनके भाई, इनके वाले साहब 5-6 दफ़े इस हलके से जो कुलाची की सीटें से इलेक्शन लड़ चुके हैं, ठीक, तो इनके ताल्लुकात हैं। हमारी तरफ एक अजीब सा रिवाज है, ज़ालिमाना रिवाज है, अगर दो ग्रुप्स आपस में लड़ पड़ते हैं तो एक ग्रुप एक सियासी के साथ खड़ा हो जाता है तो दूसरा ग्रुप दूसरे सियासी के साथ खड़ा हो जाता है, अगर वो सियासी के पास नहीं जाता तो सियासी दूसरे के पास चले जाते हैं ताकि भाई उनको ये ख्याल होता है कि भाई वो वोटर उधर चले गए। कि जो मुलजमान है उनकी पोलिटिकल ग्रुपिंग अली अमीन के साथ है, अभी हुई है, ठीक। अच्छा, अब अली अमीन साहब का मौकअप लेते हैं। जी अली अमीन गंडापुर साहब, आपने बात सुनी दावर खान कुंडी साहब की, आपका क्या मौकअप है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं मुस्तरद करता हूँ इंसाब इल्जामात को जो दावर कुंडी साहब लगा रहे हैं मेरे ऊपर, और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर इन्होंने तो बहुत लंबी तकरीर झाड़ी है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ 2 टोक अल्फाज में
कि अगर कहीं पर भी ये साबित हो जाए कि मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या इन लोगों से मुंसलिक हूं या मैंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन लोगों की पुश पढ़ाई की है, और उसका जवाब दे सकते हैं डीआईजी साहब, डीपीओ साहब या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो यहाँ पे अफसरान है या आईजी साहब कि मैंने इन्फ्लुएंस किया या नहीं किया। और अगर मेरे पे साबित हो जाए कि मैंने किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसे घटिया लोगों को जो ऐसा घटिया काम करते हैं, पहले तो ऐसे घटिया लोगों की जरूरत ही नहीं है जो ये घटिया काम करें और मुझे वो अप्रोच भी कर सके, ऐसे घटिया लोग जैसा घटिया काम करते हैं सिफारिश के लिए, उनमें किसी में भी मुझे अल्लाह का बड़ा शुक्र है मेरे ऊपर, लोग मुझे जानते हैं, किसी में जरूरत ही नहीं है ऐसा काम करने वाले में कि मुझे अप्रोच कर सके। और अगर मेरे पे साबित हो गया या साबित कर लें दावर कुंडी साहब, तो मैं अपने आप को फांसी के तख्ते पे लटकाने को तैयार हूँ, वरना ये दावर कुंडी साहब ने जो ये मूछे छोड़ी हुई है फिर ये मूछे अभी कटवाएगा, क्योंकि इसको शर्म आनी चाहिए। ये सियासत में किरदार कुशी कर रहा है, सियासी तौर पर नाकाम हो चुका है, ये डिलीवर नहीं कर सका, इसके हल्के में लोगों ने नहीं। अली अमीन साहब, एक तो मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अगर लहजा हम यहाँ पे मुअज्जबान इस्तेमाल, हाँ लहजा तो मेरा इसलिए ऐसा होगा ना कि जो मेरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि एक बच्ची के ऊपर इस तरह का वाकया हुआ और एक बंदा मेरे पे इल्जाम लगा रहा है कि जी मैं उससे मुलविस हूँ, उसका जवाब तो मैं ऐसा ही दूंगा। नहीं अच्छा अली अमीन, अली अमीन इसमें एक उस मुतासरा लड़की के चचा ने आप पे क्यों इल्जाम लगाया, वो तो दावर साहब कह रहे कि मैंने मेरे पर इल्जाम नहीं लगाया, उसने मेरे पर इल्जाम नहीं लगाया, ये इन्हीं के ही चाल है। सरदार इकराम गंडापुर जिसका जिक्र कर रहे हैं ये उनका हलका है, उनके जानने वाले होंगे, मेरा इनसे कोई पॉलिटिकल ताल्लुक था ना है ना रहेगा, ये इनकी चाल है। उसके चाचा ने ये बोला कि एक बंदा है इस्माइल खान जो कि मेरा चाचा है वो उनकी सपोर्ट कर रहा है। अब मैं तो अगर मेरा कोई दूर का रिश्तेदार या कोई चाचा मामा इस तरह का कोई गलत काम करता है उसकी जिम्मेदारी मेरे पे डालना मेरे ख्याल में सरासर ज्यादती है। अच्छा आप लोग तो कहते हैं कि भाई दुनिया में इनडायरेक्ट बयान को इन्होंने मेरी तरफ रुख दे दिया ताकि दावर कुंडी जैसे बंदे को जिसको पिछले 4.5 सालों में न किसी चैनल ने बुलाया और न किसी ने लिफ्ट कराई और तरीके इंसाफ से भी फारिग हो चुका है, शुकार मिल चुका है इसको, इसको मौका मिल गया आज मीडिया पे आके लोगों को अपनी तस्वीर सुनाने का और अपनी शक्ल दिखाने का कि मैं भी कोई फिर रहा हूँ, मैं भी कोई हस्ती हूँ यहाँ पर, मैं भी कोई पर्सनैलिटी हूँ यहाँ पर, अदरवाइज ये सस्ती शोहरत देने के लिए कर रहा है। और ये अच्छा इसकी अच्छा अली अमीन साहब, एक तो ये कि वहाँ के SHO आप लोग तो कहते हैं ना कि हमने पुलिस को भी बड़ा साफ कर दिया है और उधर मेरिट है और फलां है ये है वो है, तो एक तो ये कि वो SHO जिसने पहले मुतासरा खानदान के ख़िलाफ़ FIR काटा वो SHO अभी तक वहाँ पे बैठा क्यों है? देखिए जी हमारी पुलिस खुद मुख्तार है आपको पता है, और मैं आज भी अफसर कहता हूँ कि मुझे बिल डेट पता नहीं है कि SHO का नाम क्या है, मैं जानता भी नहीं हूँ कि वहाँ का SHO कौन है, वो मेरा क्योंकि हल्का नहीं है। दूसरी बात हम पुलिस में इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, और तीसरी बात यह है कि जो सरदार इकराम साहब दावर कुंडी को फीडबैक दे रहे हैं, सरदार इकराम से को ये पूछे और दावर कुंडी साहब कह रहे हैं कि उनका पीने का पानी नहीं है जी और उनका बिजली नहीं है, तो उनसे कोई पूछे कि आपके वाले वजी आला रहे, आप बार बार कामयाब हुए, आप अपने इलाके में इतना नहीं कर सके कि लोगों का ना पीने का पानी है न उनका रास्ता है न बिजली है, और ऊपर से हालत ये हालत है कि लोग ऐसी घटी हरकत कर रहे हैं, इसके जिम्मेवार तो ये इनके नुमाइंदे हैं जो यहाँ पे जीतते रहे इलेक्ट होते रहे, और आज हालत ये है कि इनको जी ये तो चला रहे हैं, इसको टूल तो दे रहे हैं बात को, लेकिन इनको सुना होनी चाहिए इस बात पर कि टिल डेट 2017 में आज एक इलाका इतना बैकवर्ड क्यों है। अच्छा लेकिन आपसे भी ये सवाल बनता है ना कि अगर ये दावर खान कुंडी साहब और इकराम गंडापुर साहब इतने खराब लोग हैं तो इनको आपकी पार्टी ने टिकट क्यों दिए, खुद आपके इमरान खान साहब ने, और फिर इकराम गंडापुर साहब और आप एक काबीना में क्यों बैठे हुए हैं, एक ही इमरान खान को लीडर मानते हैं? देखिए जी ये तो पार्टी का फैसला है, लेकिन दावर कुंडी ने जब पार्टी से गद्दारी की तो दावर कुंडी को एक साल पहले शोकाज मिल चुका है, और दावर कुंडी की इस वक्त जो हैसियत है तरीके इंसाफ में वो ऐसी है जो कि आयशा गुलाली की है। अच्छा अब आयशा गुलाली MLA बन के बैठी है, हमारे पे इल्जाम लगा रही है, दावर कुंडी इस वक्त PTI में यही हैसियत रखता है,
और जहाँ तक बात है इकराम गंडापुर की, ये तो मुझे आप डर है अली अमीन के, कल अगर आपको भी पीटीआई से निकाल दिया गया तो फिर आपको भी लोग उसी तरह ले जाए इस्तेमाल करेंगे जिस तरह अभी आप आयशा गुलाई या इनके बारे में इस्तेमाल। जी दावर कुंडी साहब, मेरे ख्याल में उनकी जो गुफ्तगु है, उनकी जो ज़ुबान है, उनके किरदार की अक्कासी बेहतर तरीके से कर सकती है। और मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैं अब भी कहता हूँ, ये उस दिन कह रहे थे कि मैं इमरान खान के बड़ा करीब हूँ। इंसानियत सोज वाकिया हुआ है, और मेरे अलावा या इकराम के अलावा या इनकी ये जो जो आपने टायरेट सुन ली, इनके अलावा तो किसी ने कोई आवाज़ ही नहीं उठाई। मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि SHO साहब 15 दिन से हैं, हमने पुलिस रिफॉर्म्स दी हैं। जब ये पुलिस, जब पहले हुकूमत आई और नासिर दुरानी साहब थे उस वक्त IGP, तो डी खान के 250 पुलिस ऑफिसर्स जिसमें थे DSP लेवल के, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि उनकी रिपोटेशन ख़राब थी। अब मैं हैरान हूँ कि अब क्या हो गया 4.5 सालों में कि एक SHO FIR काटता है और फिर उसको वापस करता है। इससे बड़ा सबूत इंक्वायरी में और क्या हो सकता है? अभी तक वो उस थाने में बैठा है। अली अमीन गंडापुर पुलिस का इंचार्ज तो नहीं है ना? देखें उसका... मैंने जो इन्होंने फरमाया, इन्होंने तो अपनी तरफ से कह दिया, वो कह रहे पुलिस में मैंने... कोई मुदाखलत नहीं है ना। पुलिस में अगर मुदाखलत नहीं है तो IGP साहब एक्शन क्यों नहीं लेते? इतने बड़े वाकये के बाद, इतना इंसानियत सोज वाकया, इतना जुल्म हुआ, उस पर एक्शन IGP साहब आखिर लेते क्यों नहीं? इसके बाद और क्या रह गया? दूसरी मैं बताऊं जी, दूसरी पार्टी से मुझे किसी ने शोकाज नहीं दिया और ना मुझे दे सकता है। मैंने तो कभी कोई गलत बात की नहीं। आपको शोकाज नहीं मिला कोई? नहीं जनाब, ये ऐसी अपनी तरफ से लोग लगे हुए हैं। इस पार्टी में मैंने रहना है और हम चाहते हैं कि जो करप्ट नासिर हैं, जो तहसीलदारों से बत्ते लेते हैं, पटवारियों से बत्ते लेते हैं, कौन लेता है? इनके मिनिस्टर साहब के बारे में ये रोजाना मैं खबरें पढ़ता हूँ लोकल अखबारों में, उनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए। लोगों से बत्ते लेता है, पटवारियों से, जो लोकल अखबार हैं और रोजाना भरे होते हैं कि फलां तहसीलदार से जी मिनिस्टर साहब ने 22 लाख मांग लिए, किसी से 30 लाख मांग लिए। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को पार्टी से निकाला जाएगा। हमें तो पार्टी से पार्टी फोरम पे ये बात क्यों नहीं करते? मैंने किया जनाब, मैंने सबूत दिए थे इमरान खान साहब को, और पहले दिए थे, और तकरीबन अगर आपको याद हो 1.5 साल पहले हमने कंपेन चलाई थी, और वो कंपेन इस बुनियाद पर थी कि हम चाहते थे, हम कुछ MNAs MPAs के पार्टी को मंशूर के मुताबिक चलाया जाए। खान साहब कहते हैं कि MPA MNA को फंड्स नहीं देंगे, लेजिस्लेशन होगी। हमारे हलके में ये जो अभी अली अमीन साहब बात कर रहे थे, नॉर्मली हर MPA को 4 अरब रुपए मिले हैं डेवलपमेंट के खाते में, और जो मिनिस्टर हैं वो तो 4 अरब से भी ऊपर गुजर गए, और वो सारा कमीशन की नज़र हो गया। कमीशन आज भी चल रहा है, हर MPA को आपके सूबे में 4 अरब। हमारे मेरे हलके में जो हमारा जो डी खान डिवीज़न है, यहाँ पे 6 MPAs हैं, 2 जमीयत के और 4 PTI के, 4 अरब वो खुद मानते हैं कि हमें मिले हैं और हमने डेवलपमेंट में लगाए हैं, और वो सारा कमीशन की नज़र हो जाता है। अच्छा नहीं, ये जो बल्दियाती निज़ाम की हमने बात की, अली अमीन साहब के करप्शन के सबूत आपने खान साहब को कब दिए थे? ये तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। 1.5 साल, और उस पर खान साहब ने माना था। जी मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। पहले साल जब हुकूमत बनी तो खान साहब ने मुझे स्पेशली बुलाया। ये खान साहब और मेरी प्राइवेट बात है, लेकिन चलें मैं इस फोरम पे इसलिए बता देता हूँ कि एक सच है, ताकि एक बात क्लियर हो जाए। और खान साहब ने मुझे बुलाया बनी गाला में, बैठा उनके साथ 1-to-1। तो मैंने कहा जी हुक्म करें। तो उन्होंने कहा कि यार ये अली अमीन करप्शन करता है, उनके अल्फाज, और मुझे बताओ ये कैसे करप्शन करता है। मैंने कहा जी बात ये है कि मेरा उसके साथ कोई ऐसा तराजा है नहीं, एक ही पार्टी के हैं। मैं तो आपको बता दूंगा, लेकिन आप तो जैसे जो सोर्स होती है उसको भी डिस्क्लोज कर देते हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं वादा करता हूँ आपको नहीं बताऊँ, मैं नहीं बताऊँगा अली अमीन को। मैंने कहा जी पटवारियों के मौजे होते हैं, ज़मींदारों के पैसे होते हैं, वो पैसे कम लिखवाते हैं, हुकूमत को कमीशन कम जाता है, टैक्स कम जाता है, और वो टैक्स के बदले वो पटवारी पैसे जेब में कर लेते हैं और ज़मींदार को बचत हो जाती है। ऐसे मौजे हैं तहसीलदारों के, ऐसे हलके हैं जहाँ पे तहसीलदार को आप बिठाएं वो आपको करोड़ रुपए ट्रांसफ़र पे भी देगा और आपको भत्ता भी देगा मंथली। तो ये सारा मैंने उनको डिटेल बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे बड़ा अफसोस है कि अली अमीन ऐसे काम करता है। लेकिन उसके बाद जब वक्त गुजरता गया तो जो हमारा मंशूर था वो पीछे चलता गया और लोग आते गए, पैसे आते गए। ठीक, पैसे जी जी जी, अच्छा जी अली अमीन साहब जी, ये तो हम, अच्छा जी हम तो समझते थे कि आप जो है, ये तो आप पता चला कि आपकी अपनी पार्टी के MNA कह रहे हैं। नहीं नहीं, खान साहब ने शहर की बोतलें आप खरीदते हैं जी।
अब मैं बात करूं, इरशाद जी इरशाद, पहली बात कि मैं जैसे ही मिनिस्टर बना, मैंने आते ही पहला काम ये किया कि मैंने पटवारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर अपने से खुद एक हफ्ते के अंदर अंदर लेकर और डिप्टी कमिश्नर को दे दी, ताकि ये चीज बजाय मेरे पास होने के डिप्टी कमिश्नर के पास रहे। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ आज फोरन में, या डिप्टी कमिश्नर जो पहले रहे जो आज रहे, मुख्तलिफ जिलों में बैठे हुए हैं, हमारे 25 जिले हैं जिनमें से 19 जिलों में हमारा पटवार सिस्टम चलता है। अगर कोई डिप्टी कमिश्नर कह दे कि मैंने उसको इन्फ्लुएंस किया है फॉर ट्रांसफर ऑफ पटवारी, तो फिर मैं वही बात करूंगा दावर खुंडी के बारे में कि मूछे भी से भी छोड़ी हुई है, मैंने भी छोड़ी हुई है, लेकिन मूछे छोड़ के इंसान को सच बोलना चाहिए। दूसरी बात, ये जो दूसरी बात कर रहे हैं, मैंने तो ये सच बोला, सच के सिवा कुछ नहीं बोला। अच्छा, मैंने मेरी बात सुन लेना, इतनी बड़ी तहरीर की है इसने। जी जी। दूसरी बात, ये मैंने खुद अपने हाथ से किसी प्रोपोजल पे अपने सिग्नेचर नहीं छोड़े। मेरा एस एम बी आर ट्रांसफर करता है तहसीलदारों के, मेरे इससे पहले एस एम बी आर गुजरे हैं वकार यूं साहब, वो एक बहुत प्रोफाउंड आदमी है, उन्होंने मेरे साथ 2.5 साल गुजारे, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद मेरे दूसरे एस एम बी आर गुजरे अब्दुल लतीफ साहब, उनको भी पूरा सूबा जानता है और पूरा पाकिस्तान जानता है वो किस तरह के आदमी है। अभी जो मेरे एस एम बी आर है उनसे आप पूछते हैं कि आई डोंट इंटरफेयर इन पोस्टिंग एंड ट्रांसफर बिकॉज आई एम फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ इमरान खान। और जहां तक ये इल्जाम लगाने वाली बात है और बातें करने वाली बात है, तो आप किसी में कुछ भी लगा लें, मैं फिर दावर कुंडी को चैलेंज करता हूँ कि मेरे हलके में दावर कुंडी कोई एक्सीयर ले आए, ठेकेदार तो मेरे नहीं है ना, ठेकेदार तो ज्यादातर मौलाना साहब वगैरह के होते हैं, कोई ठेकेदार ले आए और वो मेरे पे साबित कर ले कि मैंने कभी अपने हलके में किसी फंड को या तो फर्ज किया हो और या मैंने अपने किसी भी फंड में कमीशन लिया हो, तो मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ, वरना फिर दावर कुंडी की जो मूछे है ना जो एल्फी लगा के खड़ी की हुई है मैं ये कटवाऊंगा। अब आप मेरी मूछों से बड़े लगता है कि मैं सच्चा हूँ, और ये जो इस तरह के पॉलिटिशियंस है, और दावर कुंडी साहब की पर्सनल बात मैं एक और बता दू इनको, हल्फ दे के सच है झूठ है, ये दावर कुंडी ने इलेक्शन जीतने के बाद पार्लियामानी पार्टी के अंदर बैठकर इमरान खान को बोला कि उस पर मेरे पास गवाह मौजूद है मैंने कि खान साहब मुझे अल्लाह ने जितवाया और अल्लाह के बाद मुझे अली अमीन ने जितवाया है, वरना मैं ये इलेक्शन हार गया होता। इस पर हल्फ लेके मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये एहसान फरामोश ये मैं इसकी क्लियरेंस कर देता हूं। बिल्कुल नहीं, तो अभी जो आप कह रहे हैं कि ये ऐसे ये वैसे ये, तो इस तरह के बंदे को क्यों जितवाया आप? मैं इंडोर्स करता हूं इनकी बात। मैंने पीटीआई को जितवाया, मैंने मौलाना फजल अहमद के बेटे को हरवाया। अच्छा, मैंने दिन रात कैंपेन की, इसने पहले लिए थे 44,000 वोट और फिर हमारी हुकूमत के बनने के बाद जब जमी इलेक्शन हुआ तो फिर इसने लिए मेरे ख्याल में 73,000 प्लस वोट। उसमें हमारी मेहनत थी, इसकी हालत तो ये थी कि पीटीआई के टिकट के बावजूद ये बुरी तरह मौलाना से हार गया था 2013 के इलेक्शन में, जनरल में जब इलेक्शन में जीत के आया, मैंने जोर लगाया इसके साथ, हमने कंप्लेन की इसके लिए। लेकिन अली अमीन साहब, कुछ ना कुछ मामला तो आपके भी गड़बड़े ना, आप ये किसी और वजीर का नाम क्यों नहीं लेते? कभी आप का बक्से के साथ पकड़े जाते हैं, कभी आप शहद के साथ पकड़े जाते हैं, कभी किसी उसके कतल में आपका नाम। मेरी शहद को आप ब्लैक लेबल बना ले, मेरे लाइसेंस वेपन को अदलिया ने छोड़ दिया, शायद थी या ब्लैक लेबल थी, अब यार फैसला कर लिया उसका, अगर आप बनाते फिरे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जहां तक बात है कि मेरे पे आती हैं बातें, उसकी वजह यह है कि ये मेरे से मुंसलिक हैं हल्के इनके, ये अपने हल्कों में निहायत ही डिफेम हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि डी खान ने, मैं एक फेमस पॉलिटिशियन हूँ, मैंने लोगों को एक नया विजन दिया है कि एमपीए और मिनिस्टर काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, फंड लगाते हैं, तरक्की क्या होती है ये देखो आकर। इससे पहले तो इनके वालदैन भी पहले रहे मिनिस्टर, इसके वालिद भी रहे पहले। लेकिन आपके वालिद भी तो मिनिस्टर रहे हैं ना? बिल्कुल रहे हैं, तो मेरे वालिद ने गुमलजाम डैम बनवाया है जी अपने इलाके के लिए, 22 अरब का प्रोजेक्ट गुमलजाम डैम मुशरफ को उन्होंने मंजूर करवाया, आज माशाल्लाह वो चल रहा है। और दावर कुंडी साहब जो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं फिर ये बात नहीं करना चाहता था कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक बंदे को मैं अपनी हैसियत याद दिला दूँ कि दावर कुंडी साहब मेरा एक रिश्तेदार अगर कुछ कर रहा है गलत तो उसकी बीमारी मेरे पे आ रही है। तो दावर कुंडी के तो वाले साहब जो है वो हेरोइन के साथ पकड़े गए, एज मिनिस्टर रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हेरोइन की स्मगलिंग करते हुए, तो उसके बारे में तो मैं ही कहूंगा कि दावर कुंडी की तो रगों में, इसके खून में हेरोइन का पैसा है, तो फिर का पैसा है, तो फिर शुक्र है। नहीं नहीं, तो फिर उस बंदे के बेटे को आपने पीटीआई में आने क्यों दिया? बस ये तो पार्टी के फैसले हैं जी,
नहीं, वो तो अभी आप कह रहे थे कि मैंने इनको जितवाया ना, तो पार्टी ने तो नहीं जितवाया, आपने कंप्लेन की थी, मैंने कंप्लेन की। अच्छा अब जरा उन हराने के लिए, अच्छा अब आप और भी होता, कोई और भी होता मैं करता। अच्छा आप अली अमीन उनको भी जरा जवाब देने देना, आप तो आपकी तकरीर लंबी हो गई जी। अली अमीन साहब ने जो बातें की बिल्कुल मैं इंडोर्स करता हूँ, ये ठीक फरमा रहे हैं। ये मेरे वालिद के बारे में जो कुछ कहा ये भी दुरुस्त है, और मेरी पहले दिन से ये कोशिश रही है कि जो दाग हमारे ऊपर लगे हैं हम उनको धोएं। अली अमीन साहब जो मुझसे नाला हैं वो ये है कि मैंने चंद मिनिस्टरों बशमूल इनके करप्शन के सबूत दिए और उसको हाईलाइट किया कि भाई पीटीआई का हमारा विजन ये नहीं है कि हम पटवारियों से पैसे लें। और ये वो तो कहते हैं सबूत, मैं बताऊं जी, सबूत मैं दे चुका हूं इमरान खान साहब को, तो आपके उन्होंने एक्शन नहीं लिया। दूसरी बात ये है कि ये नाला इस पे है कि जब डीएचक्यू अस्पताल में जब इनके बनई को ये बनवाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन, और वो नौकरियां बिकती हैं और मैं एंटी करप्शन में दरख्वास्त देता हूँ, तो इनको तो ज़रूर तकलीफ होनी है। ये मेरे साथ कंपेन करते हैं, मैं बताऊं, मैं बताता हूं जी, ये मेरे साथ, अब मुझे अगर ये बात करने देंगे मैं इनकी तमाम मौका दूंगा, मैं अली अमीन साहब आपको मैं मौका दूंगा, मैं इनकी तमाम बातों को इंडोर्स करूंगा, ठीक कहते हैं। लेकिन बात ये है कि जहां पे करप्शन होगी, जहां पे गलत काम होगा, जहां पे करप्शन होगी, जहां पे गलत काम होगा, वहां पे मैं आवाज उठाऊंगा। अगर किसी को तकलीफ होती है मेरा हेडेक नहीं है। अब मैं यही कहना चाहता हूं और मैं अपील करता हूं, आप अपने सूबाई एहतिसाब कमीशन में क्यों? मैंने जनाब एंटी करप्शन को दरख्वास्त दी और वो केस जो ये पोस्टें बिकी हैं डीएसक्यू में, वो अभी तक डायरेक्टर साहब के पास पेंडिंग है। डायरेक्टर साहब चूंकि चीफ मिनिस्टर साहब के पीएस हो रहे हैं, वो फाइल उन्होंने रुकवा दी है। नैब को मैंने दरख्वास्त दी, आपको पता है कि यहाँ पे इस मुल्क में एहतिसाब के इदारे हैं नहीं। और दूसरे एहतिसाब कमीशन पे मैं टाइम इसलिए ज़ाया नहीं करना चाहता था कि एहतिसाब कमीशन को तो हमारी सूबाई हुकूमत ने नल एंड वाइड कर दिया, और वो उस रात हुआ जिस दिन सुबह दो मिनिस्टर पकड़े जाने थे, और वो दो मिनिस्टर शायद बहुत से लोगों को पता होगा। तो आपका गिला तो इमरान खान से और परवेश खटक से होना चाहिए था, आप सिर्फ मैं बताऊं जी, हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो एक गर्म मठ वाला, ये बात हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। गर्म मठ में इनकी जब मुजरिमाना गफलत होगी, मैं इनको ये अपील करूंगा कि ये जाके उस लड़की के सर पे हाथ रखें, उसे बताएं कि जी दावर खान झूठ बोल रहा था, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। दूसरा, इमरान खान के बहुत करीब है, उनको कहें कि बराए मेहरबानी एक्शन लें। वो एसएचओ जो 15 दिन से अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ, जिस पे इंक्वायरी है, जैसे मैं पहले को बता रहा था कि जब पहले इमरान खान को आपने सबूत दिए, इमरान खान को मैंने खत लिखा, अच्छा वो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, उनकी क्या मजबूरी है? मेरे ख्याल में इमरान खान थोड़ा सा खौफजदा होंगे अली अमीन से। हाँ 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 जी, क्यों? वो इसलिए कि अली अमीन साहब के एकदम तंजीमों से रबते हैं। अली अमीन साहब के कालेदम तंजीमों से रबते हैं, और इसके सबूत इकराम गंडापुर हैं जो इनकी काबीना के वजीर हैं, उनके पास ज़्यादा बेहतर हैं, उनसे मैंने सुना। और इस वजह से शायद कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता होगा, तो इमरान खान इस वजह से इनसे खौफज़दा रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है जी। अली अमीन साहब आप तो बड़े खतरनाक आदमी निकले यार। पहले मैं ये जवाब दे दूं कि डीएसयू डीआई खान का जो चेयरमैन बना है बोर्ड का, आज भी शराम तरक्की इज द मिनिस्टर, वो जिंदा है, उसको बुला लेंगे प्रोग्राम में। और सेक्रेटरी हेल्थ जो था, अगर वो ये कह दे कि मैंने इन्फ्लुएंस किया हो उसके लिए, तो फिर वही वाली बात मैं करूंगा, मुझे फांसी इसकी ये मूछ है। नंबर टू, जब वो चेयरमैन बना है जो बंदा, वो मेरिट पे बना है, उनको पता भी नहीं था कि ये मेरा कोई रिश्तेदार है। उनके एक स्क्रूटनी सर्च एंड स्क्रूटनी कमेटी है, उसने बनाया है, सर्च एंड स्क्रूटनी कमेटी का कोई बंदा कह दे यार, वो तो अली अमीन उसी तरह मेरिट पे बना होगा जिस तरह एहतिसाब कमिश्नर बनाया है, वरना पूरी बात सुने। उसके बाद वो इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट है। इस वक्त उसने पाकिस्तान में पिछले दिनों वो ऑपरेशन किया जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। ये असल बात बताए, वो छोड़े, ये जो कलदम तंजीमों के साथ आप तो बड़े खतरनाक आदमी निकले यार। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि डीएचक्यू में भर्तियां हुई क्लास फोर की, डीएचक्यू मेरे हल्के में है, क्लास फोर की भर्ती एमपीएस करते हैं, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट है। इस दावर कुंडी ने डायरेक्टर को दो नाम दिए, उसने भर्ती नहीं की है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो कोई नाम नहीं दिए, उनकी लिस्ट मौजूद है ना, मैंने कोई नाम दिए, ये उनको पुरैन ने बुला ले, उनकी लिस्ट मौजूद है, पुरैन ने बुला ले यार। संगीन इल्जाम ये दूसरा है, आप उसका जवाब दे दें कि सर बात सुने ना, यूं तो ना करें। अगर उनमें से कोई बंदा कह दे कि उसने पैसे दिए हैं,
एक बंदा नहीं गया, और आप देख रहे कि सारे गरीब आदमी ना हुए, डिजर्विंग आदमी ना हुए, तो फिर वही बात है। मुझे यार वो जब आपसे इमरान खान डरता है, वो खौफजदा है, तो फिर आम आदमी की क्या जरूरत है कि आपके खिलाफ गवाही दे दें। बाकी जो बात है उसके ऊपर मैं आता हूँ। मैं अब मेरे पे इल्जाम लगा रहा है कि इमरान खान, जिसका मैं फॉलोअर हूँ, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, वो मुझसे डरता है। अब इसका आप मेंटल लेवल चेक कर रहे हैं, दिमाग खराब हो चुका है। नहीं नहीं, पूरी कौम, पूरी दुनिया कम से कम ये बात तो जानती है कि इमरान खान किसी से भी नहीं डरता अल्लाह के सिवा। ये अब ये इल्जाम लगा रहा है। नहीं नहीं, खैर वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। असल में वो कहते हैं अली अमीन से इसलिए डरता है कि अली अमीन के कलदम तंजीमों के साथ ताल्लुकात है। कलदम तंजीमों से तो हर कोई डरता है। ऐसे है, फिर आपको पता है इस बात का कि कलदम तंजीमों के लोग मुझे उस वाक्य से पहले से मुझे भी धमकियां दे रहे हैं और मुझे मारने के लिए कई दफा फूने कर चुके हैं। और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मेरे से ताल्लुकात होते तो मुझे मारने के लिए धमकियां ला देते। मेरे घर पर उन्होंने दो हमले किए ऑन रिकॉर्ड, दो हमले मेरे घर में किए उन्होंने, उसके बाद एक दफा मेरे पे बार भी हमला किया उन्होंने, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा एक चीज अली अमीन, ये बहुत सीरियस मसला है। एक तो ये है ना कि आप जो दावरकुंडी के बारे में या किसी और के बारे में कह रहे हैं, वो सिर्फ आप कह रहे हैं। अगर सिर्फ दावरकुंडी ये बात करते तो हम कहते हैं कि इनका कोई ज़ाती मसला है, लेकिन आपके बारे में ये इल्ज़ाम दावरकुंडी और वहाँ आपके काबीना के साथी वजीर इकरामुल्ला गंडापुर भी लगा रहे हैं। देखिए जी, अगर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है तो उसके साथ हमारी पुरानी पॉलिटिकल हमारा एक राइवलशिप है। उसने उस बुनियाद पर इल्ज़ाम लगाया, एक घटिया इल्ज़ाम लगाया। उस पर GIT बनी, हमारी असम्बली ने बनाई, मैं उसे मेम्बर था, मैंने वोट दिया GIT बनाई जाए। GIT की रिपोर्ट आ गई, आप देख लें उसको। इसके अलावा अगर पुलिस ने नहीं पकड़ा किसी को, कोई साबित नहीं हुआ कुछ, तो ये पुलिस का काम है, मेरा काम नहीं है। आज के जिरगे में हम बात कर रहे हैं सानिहा ITI खान से मुतालिक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की सूरत हाल से मुतालिक, और हमारे साथ हैं जनाब दावर खान कुंडी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब। जी दावर, मैं सलीम साफ़ी साहब ये चाहूँगा कि चूँकि हमने काफ़ी अली अमीन साहब से उन्होंने बातचीत हमने कर ली, हमें अपने इस मौजू पे भी ज़रूर आना चाहिए। नहीं लेकिन कि जिस पे नहीं, वो तो संगीन इल्ज़ाम है। संगीन इल्ज़ाम मैंने नहीं, इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, मेरे ऊपर थोप रहे हैं। ये तो जनाब दरख्वास्तें दी हैं सरदार इकराम गंडापुर ने, उसके भाई ने, उसके अलावा वो काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं। वो इनका आपस ज़ाती मसला है। मैंने तो सिर्फ हिंट दिया कि भाई ये जो कहते हैं कि मैं इतना पाक साफ हूँ, तो ये चीज़ें भी हैं। दूसरी बात ये है कि मेरी इनसे अब भी अपील है, जो भी इन्होंने मेरे बारे में कहा ठीक फरमाया, नो माइंड, मैं नहीं खफा होता। ये जाएं उस लड़की के सर पे हाथ रखें जिसका एग्ज़ाम है इनके ऊपर, कि ये उनको सपोर्ट करें। आज तो मैंने आपको बताया कि इनके लीगल एडवाइज़र उनके वकील बन गए। तो और उसके बाद इमरान खान को अपील करें कि वो IGP साहब को डायरेक्शन दें, डोंट पुट द डस्ट अंडर द कारपेट, कालीन के नीचे गंद ना डालें। हमारे खान साहब को कुछ लोगों ने मशवरा दिया हुआ कि सब अच्छा की रिपोर्ट लें और गलती को ठीक ना करें, गलती को ठीक होना चाहिए। मैं इस फोरम से बैठ के इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, ख़वातीन की तंजीमों को अपील करूँगा कि बराए मेहरबानी आएँ, इस वाक़े में इन्वॉल्व हों, देखें, फैक्ट्स निकालें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लड़की मेरी बेटी है, मेरी बहन है, और मैं इसके साथ खड़ा होऊंगा, और जो इसके साथ ज़्यादती करेगा मैं उसे गिरेबान तक भी जाऊँगा, उसका नाम भी लूँगा, और मैं हर जगह मतलब उसके हकूक प्रोटेस्ट करूँगा, उसके हकूक हासिल करने के लिए। तो बराए मेहरबानी जो ख़वातीन हैं हमारी MPAs MNAs जिस पार्टी से भी उनका ताल्लुक है, वो आएँ, चले मैंने एक चीज उठा ली है, वो आके वहाँ पे देखें। अच्छा, दोबारा उस सजावल के पीछे कैसे जा सकते हैं? एक तो जिस तरह वो इनकी बेटी है उसी तरह आपकी भी बेटी है। आप अभी तक अच्छा आप अभी तक उस मुतासरा खानदान के पास गए क्यों नहीं है? मैं अभी डी खान पहुंचा हूँ, आज शाम को मैंने उनकी फैमिली से रब्ता किया हुआ है, इंशाल्लाह मैं कल या परसों उनको मिलूंगा। नहीं तो ये तो 27 अक्टूबर को वाकया हुआ है ना, 15 दिन हो गए जनाब। ये हल्का दावर कुंडी साहब का है, ये हल्का इकराम खान साहब का है, ये इनकी जिम्मेवारी बनती है। अब कल को ये कहेंगे जी फलाना क्यों नहीं आया, फलाना क्यों नहीं आया, मेरे लेकिन सूबाई वजीर की हैसियत से आप पूरे सूबे के भी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के तहत आपकी जिम्मेदारी है, और आप उस रीजन के PTI के सदर भी हैं। तो मैं ऑन कर रहा हूँ ना जी, मैं ऑन कर रहा हूँ। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मेरा रब्ता बिल्कुल है, मुझे सारी अपडेट्स है, और मुझे खौफ नहीं है ऐसे लोगों का। SHO घटिया लोग ऐसे काम करते हैं। SHO बदलने के लिए मैंने जंग की है। अच्छा अली अमीन साहब, अली अमीन साहब, SHO बदलने के लिए IG से या चीफ मिनिस्टर से बात की है या करेंगे?
देखिए जी, मैं तो ये आई जी भी है, नासिर जवानी साहब भी आई जी रहे हैं, आज तक मैंने किसी ऐसे चोर के लिए, बदलने के लिए या सिपाही के लिए आज तक कभी रब्ता किया है नहीं, हमें अलाउड है ये करना, क्योंकि हमें पार्टी की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हमने पुलिस में मुदाखलत नहीं करनी। अच्छा, लेकिन ये आप भी ये समझ रहे हैं कि उस एस एच ओ का वहीं पर रहना नहीं चाहिए उसूली तौर पर, आप भी तो इन्होंने आज जो ये पॉइंट दावर कुंडी साहब ने उठाया कि वो एस एच ओ बायस है और वो ये नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल अभी फारिग होकर आई साहब से बात भी करूंगा इसके ऊपर, और मैं इस पॉइंट में बात करूंगा कि इसके ऊपर एलिगेशन आ रही है एस एच ओ के ऊपर, इस बुनियाद पे नहीं कि आप हटाए और मैं मुदाखलत कर रहा हूँ। नंबर दो, जहां तक बात की उन्होंने की लीगल एडवाइजर, मेरा जो है वकील बन गया है, हर वकील है उसका रोजगार है, घर बन गया है। मैं ये भी अर्जी कहता हूँ कि मुझे पता भी दावर कुंडी पे चला कि मेरा कोई लीगल एडवाइजर उसका वकील बन गया है, वरना अगर ये भी साबित हो जाए तो फिर मुझे फांसी। आपको तो मुसीबत ये अपनी गाड़ी का भी पता नहीं होता कि उसमें क्या चीज पड़ी है, शायद पड़ी है या मुझे छोड़ के फिर रहा है और झूठ बोल रहा है, तो शर्म आनी चाहिए। ये इस इशू को इस तरह डाइवर्ट करके कितना खुशी कर रहा है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हल्के में लोगों की खिदमत करे, लोगों को डिलीवर करे और फिर पॉलिटिक्स करे, ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा, अब आपने तो पूरी सियासत, अब आप मुतमईन हैं वो जो कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा? मुझे तो नहीं लगता, ये तो जब आप आएंगे सामने, बातें इनके एक्शन सामने आएंगे, जो 15 दिन में इन्होंने एक्शन नहीं लिया और अब भी वो कह रहे हैं कि मैं नहीं ले सकता और ये फलां ढींग, तो मुझे नहीं है उम्मीद। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं इनको फोर्स करूँगा कि वो जाएँ और अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, इस वाक़े से भागें नहीं। अब ये तो नहीं, ये रीजनल प्रेसिडेंट हैं, सेलेक्टेड रीजनल प्रेसिडेंट, इलेक्शन तो हुए नहीं हमारे, क्योंकि इन्हीं जैसे लोगों ने कहा कि अगर खान साहब इलेक्शन कराएं तो हम तो नहीं आएंगे सीटों पे, इसलिए इलेक्शन नहीं हुआ, सेलेक्टेड है। इनको चाहिए उधर जाके इंसानी हमदर्दी के तौर पे करें, ठीक, मेरी ये अपील है इनसे। मेरा जवाब सुन ले, इलेक्शन वो मिनिस्टर हूँ कि जब 2015 में हुकूमत बने, 1.5 साल हुए थे और इलेक्शन का ऐलान हुआ पार्टी का, तो मैंने इमरान खान को रिजाइन दिया मिनिस्ट्री से कि मैं पार्टी का प्रोविंशियल इलेक्शन लड़ूंगा, मैं तो मिनिस्ट्री छोड़ के इलेक्शन लड़ के मुकाबला करने वालों में था। ये एक और झूठ बोल रहा है कि मैं इलेक्शन के खिलाफ, लेकिन अभी आप तो मिनिस्ट्री छोड़, अभी तो इलेक्शन नहीं हुआ है ना, अभी तो आप सिलेक्टेड प्रेसिडेंट, आप सब लोग सिलेक्टेड है ना, तो इस हद तक इलेक्शन पार्टी ने इस तरीके से किया है, उसमें मैंने हिस्सा लिया है, जो वोट आए अब इसको इलेक्शन कहे या इलेक्शन कहे। अच्छा, ये इनकी राय है, ये सियासत छोड़ दें, कल जाएंगे मुतासरा फैमिली के पास? बिल्कुल, मुतासरा फैमिली के साथ मैंने रास्ते में आते हुए ही मैंने उनसे रब्ता किया, कल उनके पास जाएंगे, कोशिश है, मैं बिल्कुल जाऊंगा उनके पास, मैं जाऊंगा उनका, शायद एक रिश्तेदार मैंने रब्ता हुआ है तो शायद अब रात को मेरे पास आ जाए मेरे घर मिलने के लिए, ताकि मैं उनको क्लियर करूँ कि भाई मैं उनके साथ हूँ, सिर्फ बातों के लिए नहीं। ठीक, बस आपका ये वादा हो गया कि कल आप नहीं करता, कल आप पॉलिटिक्स नहीं करता। अच्छा, ये वादा हो करता हूँ खिदमत पे और नजरिए पे, ये वादा हो गया कि कल आप मुतासरा फैमिली के पास जाएंगे और पूरे ईमानदारी के साथ उनका साथ देंगे, जिस तरह आप इमरान खान का साथ। बहुत शुक्रिया अली अमीन गंडापुर साहब, बहुत शुक्रिया दावर खान कुंडी साहब, हमें और हमसे बात करने का।